क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर हमने तीन स्टेप पढ़े थे बच्चों। क्या पढ़े थे? नंबर वन, पहला स्टेप था मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा स्टेप था हमारा मैच्यूरेशन फेज, सॉरी ग्रोथ फेज, और तीसरा स्टेप था हमारा कौन सा? दैट इज मैच्यूरेशन फेज। चलिए हम स्टेप्स लिखते हैं। पहले इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम पहले ओजेनेसिस को, बच्चों मैं आपको बेसिक और सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डीप में ले जाएंगे, इसके डीप पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स तीन स्टेप हैं सेम, किसकी तरह? स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह, बिल्कुल एज इट इज। पहला स्टेप है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज, स्टेप्स और फेजेस, ठीक है ना, आप फेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे मेरे साथ फटाफट फेज, क्योंकि सिंपल बातें हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा दैट इज द ग्रोथ फेज, सेकंड क्या है? ग्रोथ फेज, ये हमने वहां भी पढ़ा था बच्चों, ठीक है। और थर्ड जो है बच्चों हमारा दैट इज द मैच्यूरेशन फेज, क्या है? मैच्यूरेशन फेज। एक तो बच्चों मैं आपको अब एक कॉमन बात बता रहा हूं, आपने एक बात याद रखनी है कि चाहे मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो, चाहे फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन हो, आप ये तीन स्टेप बेसिकली पढ़ेंगे हर बार, और इन तीनों स्टेप का करेक्टर क्या रहेगा? इसमें हमेशा माइटोसिस होती है, क्या होती है? माइटोसिस। इसमें केवल ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है और डीएनए की ग्रोथ होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें जो है हमेशा मियोसिस होती है, क्या होती है? मियोसिस। अब आपको पता है माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है, और मियोसिस जो है रिडक्शनल सेल डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है। तो क्रोमोसोम नंबर हमेशा मैच्यूरेशन फेज के अंदर हाफ होंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है किसमें कौन सी सेल डिवीजन होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या सर मेल के तरह, देखिए यहां मैं मेजर पॉइंट शुरू कर रहा हूं मैं यहां पे, क्या मेल की तरह जैसे मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मींस रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के बाद, देखो बच्चों प्यूबर्टी को हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए, जवानी आ गई है ना, उसको बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कब होता है एक पर्सन? जब वो गैमीट बनाना शुरू करते, फीमेल के अंदर एग बनना शुरू हो जाए और मेल के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाए, तो उसे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव माना जाता है, जिसे हम प्यूबर्टी पीरियड से बोलते हैं, ठीक है ना। फीमेल के अंदर जो है प्यूबर्टी की जो एज है, फीमेल के अंदर ये जो है ये होती है बच्चों 11 से 12 साल की जब फीमेल हो जाती है, और जो मेल होता है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है 12 से 14 से, ठीक है ना, ये एज है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जीरो से लेकर के, यानी कि जब एक बेबी का बर्थ हुआ, जीरो से लेकर के प्यूबर्टी तक का जो पीरियड है, मेल के अंदर 12 से 14 साल, फीमेल के अंदर 11 से 12 साल, इस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल पीरियड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, क्या बोलते हैं? जुवेनाइल पीरियड, समझ आया। अब मेल जो है, यहां मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, वो आपने हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलेंगे, चाहे आप हिंदी में इंग्लिश में अपनी कॉपी के साइड में नोट बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेल जो है, मेल जुवेनाइल पीरियड के बाद हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहता है, मेल के अंदर पूरी लाइफ तक स्पर्म बनते रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ओल्ड एज के अंदर या एजिंग के अंदर, एज्ड पर्सन के अंदर, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन जो है, नंबर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन कभी बंद नहीं होती, समझ आया बच्चों।
स्पर्म फॉर्मेशन कभी बंद नहीं होती, किसके अंदर? मेल के अंदर, ठीक है। और जो बच्चों फीमेल है, जो फीमेल है उसके अंदर बंद हो जाती है, क्या होती है उसके अंदर? एग प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। और जब एग प्रोडक्शन बंद होती है तो उस टाइम को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है ना। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, देखिए जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर चला उसे क्या बोलते हैं? जब पहला साइकिल फीमेल के अंदर चलता है तो बच्चों बताओ क्या बोलते हैं उसे? एक वर्ड यूज होगा यहां पर, उसका नाम है बच्चों मेनार्क, ठीक है ना। MENARCH लिखेंगे, MENARCH, ठीक है ना, मेनार्क। ये क्या है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन प्रोसीडेड इन द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज मेनार्क। ये कब होगी? ये होगी 11 से 12 साल में, ठीक है ना, जब पहली बार उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, सेकंड है, ये हो गई हमारी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 11 से 12 साल में कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आप नोट करेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड है, दैट इज अ मीनोपॉज, पता है ना बच्चों आपको, ठीक है ना। मीनोपॉज जो है वो क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। और बेसिकली हम एवरेज इसको लेते हैं 50 इयर्स, लेकिन जो इसका एक्यूरेट टाइम होता है वो 45 to 55 इयर्स के बीच में होता है, ठीक है ना। तो हम इसको 45 टू 50 इयर्स लेकर के चलते हैं। समझ आया? यानी कि जब ये हो जाएगा, मीनोपॉज हो जाएगा, तो ओजेनेसिस बंद हो जाएगी। ओजेनेसिस क्या होगा? बंद हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारा एक तो डिफरेंस ये हो गया कि मेल के अंदर पूरी फॉर्मेशन चलती रहती है, हाँ नंबर कम हो जाता है, नो डाउट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, सॉरी ओजेनेसिस भी रब हो गया, चलिए दोबारा लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों जो दूसरा हमारा जो मेजर डिफरेंस है, जो आज हम यहां सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं कि फीमेल के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। इन मेल्स और स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी, इन मेल्स स्पर्म फॉर्मेशन, लिखिए, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ठीक है, बट इन फीमेल्स एग फॉर्मेशन बिगिंस बिफोर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फीमेल्स, ठीक है, बिफोर बर्थ एंड कंप्लीटेड, ये इससे भी मेजर पॉइंट है, मैंने जज लें, बिफोर बर्थ, एक बेबी के, एक फीमेल बेबी के पैदा होने से पहले ही उसके अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब वो मदर वूम्ब के अंदर होती है। समझो इस बात को, जब एक फीमेल चाइल्ड फीटस में होता है, मदर के अंदर पल रहा होता है, ग्रोथ चल रही होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है, उसके अंदर ओजेनेसिस तभी हो जाती है, तभी शुरू हो जाती है। समझ आया? क्लियर हो गया। लेकिन मेल के अंदर कब शुरू हुई? मेल के अंदर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे हुई। समझ आया? क्लियर। तो क्या सर एक फीमेल पैदा होते ही उसके अंदर एग बने होते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, यही समझना है बस, यही कॉम्प्लिकेशंस हैं, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ओजेनेसिस मेल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हमने कहा एग फॉर्मेशन बिगिंस बिफोर बर्थ एंड कंप्लीटेड, और कंप्लीट कब होगा?
एंड कंप्लीटेड कंप्लीटेड आफ्टर ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखिए, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये वर्ड्स आपको अभी समझ नहीं आएंगे, अभी मैं आपको बेसिक ऊजेनेसिस कराऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इन मेल्स स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी बट इन फीमेल्स एग फॉर्मेशन बिगिंस बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है, एंड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलिए अब मैं कुछ अपनी फोलिकुलोजेनेसिस की, डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल के नाम से जो मैंने आपको लेक्चर दिया उसकी एक दो लाइन आपको रिवाइज रिपीट करता हूं आपके सामने। मैंने कहा था 7th to 9th month फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारी एग मदर सेल, उगोनिया मदर सेल बन जाती है, कहा था, याद है, ठीक है, वहीं आते हैं वापिस बच्चों। 2nd month to 7th month टू सेवंथ मंथ के अंदर फीमेल के अंदर एग फॉर्मे यानी कि ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत सारे फोलिकल बन जाते हैं। कौन से फोलिकल? प्राइमोर्डियल फोलिकल, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, इस स्टेज पर 2 से 7वें महीने के अंदर ओगोनिया सेल बन गए। लीजिए मैं और आसान करता हूं, ओगोनिया, ओगोनियल सेल मैंने कराया था ना आपको, ओगोनिया कौन थे? एग मदर सेल, इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओगोनिया फॉर्मेशन। मैं और आसान कर देता हूं बच्चों आपके लिए, ओगोनिया फॉर्मेशन हो गई थी, अब 7th to 9th month के अंदर ये ओगोनिया क्या हुए थे, आपको याद है कि ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर आ गए थे एक पाइप की फॉर्म में, एक कॉर्ड की फॉर्म में, और उसका नाम क्या था? एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, याद है ना, क्या बना था? ट्यूब ऑफ, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर की फॉर्म में, ट्यूब ऑफ PFLUGGER, ठीक है ना, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर की फॉर्म में, सॉरी GER, फ्लगर की फॉर्म में ओवरी के स्ट्रोमा में आ गए थे, लिखना है आपको, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में? ओगोनिया फॉर्मेशन हुई थी कहां पर? जर्माइनल एपिथेलियम में, क्योंकि वो ओवरी से बाहर बनते हैं फिर आते हैं ओवरी के पास, याद रखना, ओगोनिया कभी जो स्टार्टिंग में बनते हैं वो ओवरी के अंदर नहीं बनते, वो बाहर बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जर्माइनल एपिथेलियम जो ओवरी को कवर करती है, याद है ना बच्चों आपको, सिंगल लेयर थी ओवरी के स्ट्रक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो वहां से वो एग ट्यूब, ये ओगोनिया सेल अंदर आ गई, और अंदर जाकर के, अंदर आकर के इन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। ये जो एग ट्यूब ऑफ फ्लगर के अंदर क्या थे? ओगोनिया थे ना, ठीक है ना। यहां लिखूंगा मैं इनसाइड ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर आ गए, ओवरी के अंदर आए किसकी फॉर्म में? कोड की फॉर्म में, CHORD, कोड की, और उस कोड का नाम क्या था? एग ट्यूब ऑफ फ्लगर। अंदर आने के बाद इन्होंने क्या शो की थी? अपनी ग्रोथ, और एक सेल ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी, वो बन गई थी प्राइमरी ऊसाइट, बन गई थी ना, और बाकी सारी ने क्या कर लिया था? उसके चारों तरफ उसे कवर कर लिया था। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं, ये ग्रोथ करने के बाद एक सेल ने ज्यादा ग्रोथ कर ली थी, याद है ना, और बाकी सारी सेल उसके चारों तरफ अरेंज हो गई थी, याद है ना आपको, ठीक है। ये बन गई थी एग नेस्ट, क्या बना था? ग्रोथ के बाद क्या बन गया? एग नेस्ट, याद है ना बच्चों आपको, इसीलिए मैंने आपको पहले ही करा दिया था ताकि आपको अब कंफ्यूजन ना हो। एग नेस्ट याद है ना, यस और नो बताइए जल्दी से। एग नेस्ट के अंदर याद है ना बच्चों, दो चीजें प्रेजेंट थी, क्या क्या दो चीजें प्रेजेंट थी हमारी? सबसे मिड में देखो, प्राइमरी ओसाइट है ना बच्चों, सबसे जो बीच में है वो प्राइमरी ओसाइट है, और साइड में जो सेल्स हैं उनको हमने कहा था फोलिकुलर सेल्स, जिनको हमने पहले फ्लैट सेल के बारे में के नाम से जाना था, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों उस सब की, ठीक है ना। तो क्या है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं,
जब एग नेस्ट के अंदर ये जो था हमारा प्राइमरी ओसाइट बन गया था और ये जो सेल्स हैं ये फोलिकुलर सेल्स बनी थी, फोलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। अब ये एग नेस्ट कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर, प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर। याद है बच्चों आपको, मैं जब हल्का सा रिपीट कर रहा हूं बस और कुछ नहीं कर रहा, PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल फोलिकल। बच्चों सारा लेक्चर सुनने के बाद आपको लगेगा सर आपने तो पहले कराया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारा का सारा दूसरे तरीके से आपको कराया हुआ है, वो दो तीन जगह काम आता है, ठीक है। आज हम केवल उसके अंदर माइटोसिस मियोसिस ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्राइमोर्डियल फोलिकल बन गए। अब हमने कहा था कि बेबी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही सारे फोलिकल बन जाते हैं। बेबी के बर्थ के बाद, फीमेल बेबी के बर्थ के बाद कभी भी ओगोनिया सेल की या फोलिकल की फॉर्मेशन नहीं होती है ना। और उस टाइम पर जब एक बेबी पैदा होती है एट बर्थ, ये लीजिए एट बर्थ मैक्सिमम नंबर होता है किसका, प्राइमोर्डियल फोलिकल का मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फोलिकल। पढ़ा था ना मैंने, और कितना था 2 मिलियन इन ईच ओवरी। कितना था बच्चों, ये लो मैं सिंपल कर रहा हूं कुछ नहीं कर रहा, 2 मिलियन, ठीक है, कितनी इन ईच ओवरी, तो 4 मिलियन हो गया ना टोटल इन ईच ओवरी, है ना। और आपने इसको एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड एज ओवेरियन रिजर्व, याद है ना, है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, कॉल्ड। और ये सारी की सारी प्रेजेंट होती है जब बेबी पैदा होती है, ठीक है ना, ओवेरियन रिजर्व, RESERVE, रिजर्व, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन रिजर्व। यानी कि एक बेबी पैदा हो गई, उसकी ओवरीज के अंदर, दो ओवरी है उसके पास, हर ओवरी के अंदर 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फोलिकल हैं, ठीक है ना। और उन प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर बच्चों क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, क्या है, प्राइमरी ओसाइट। तो आपको यहां तक समझ आया, वही चीज मैंने रिपीट किया, यानी कि जब एक बेबी पैदा हुई तो उसकी बॉडी के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर 2 मिलियन, एक ओवरी के अंदर क्या है, प्राइमोर्डियल फोलिकल, और हर प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर क्या है, एक एक क्या है, प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे जैसे, अब मैं एक एक वर्ड ऐड कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती है तो उन नंबर का, उन प्राइमोर्डियल फोलिकल का नंबर डीजेनरेट करने लगता है, ठीक है ना। ये लीजिए मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग आज अपने नोट्स बनाएंगे। चलो, एट बर्थ जो प्राइमोर्डियल फोलिकल हैं, कितने होते हैं, 2 मिलियन, कितने होते हैं, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, ठीक है। लेकिन मैं बच्चों आपको बताना चाह रहा हूं, और आपको पहले ही पढ़ाया कि प्राइमोर्डियल फोलिकल कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होते हैं टर्शरी में, और टर्शरी कन्वर्ट होते हैं ग्रेफियन फोलिकल में, पढ़ा था ना हमने। लेकिन जो ये प्राइमोर्डियल फोलिकल है इनका नंबर प्राइमरी तक बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं दीज आर कन्वर्टेड इन टू प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, लेकिन बच्चों जब ये प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट होंगे ना तो इनका नंबर पता कितना रह जाएगा, कहां, तो ये 2 मिलियन ईच ओवरी थे, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, है ना। और अब ये रह जाएंगे केवल 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, बहुत नंबर कम हो गया ना, यानी कि बहुत सारे प्राइमोर्डियल फोलिकल डीजेनरेट हो गए। तो रिमेनिंग का क्या हुआ सर, आप यहां लिखेंगे डीजेनरेट, डीजेनरेट, क्लियर सर। डीजेनरेट कैसे हुए, एक प्रोसेस है बच्चों, जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्राइमोर्डियल फोलिकल होते हैं, और जब तक उसके अंदर मीनोपोज नहीं आएगा,
जब तक उसकी बॉडी के अंदर मेनोपॉज नहीं आएगा तब तक इन फोलिकल का नंबर कम ही होता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये 60,000 से 80,000 पूरी लाइफ रहेंगे, नहीं, ये इनकी भी आगे सेकेंडरी बनेंगे और टूट जाएंगे, और टर्शरी बनेंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे, ग्रेफियन फोलिकल बनेंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे। यानी कि ये डीजेनरेशन का जो प्रोसेस है ना, होल रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, ठीक है ना। यानी कि 11-12 साल से लेकर के, सॉरी, पैदा होने से लेकर के और मेनोपॉज तक ये चलता है। और इस डीजेनरेशन प्रोसेस को, इस डीजेनरेशन प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फोलिकुलर एट्रीशिया। बेसिकली एट्रीशिया बोलते हैं, लेकिन फोलिकल टूटते हैं इसीलिए नाम पड़ गया फोलिकुलर एट्रीशिया। लिखो मेरे साथ FOLLICULAR, फोलिकुलर एट्रीशिया, एट्रीशिया ATRESSIA, ठीक है बच्चों। तो फोलिकुलर एट्रीशिया क्या हुआ, साइड में डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं रिपीट करूंगा जल्दी से क्योंकि अभी हमने कुछ भी शुरू नहीं किया, ठीक है। फोलिकुलर एट्रीशिया ATRESSIA, ठीक है ना, लिखो। इट इज अ वाइड स्प्रेड, लिखो बच्चों या रिकॉर्डिंग में से लिख लेना, इट इज अ वाइड स्प्रेड डीजेनरेटिव प्रोसेस, ठीक है ना, इन विच ओवेरियन फोलिकल लूज देयर इंटीग्रिटी एंड फाइनली दे डीजेनरेट, ठीक है। आप रिपीट कर लेना वहां से, यानी कि फोलिकुलर एट्रीशिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवेरियन फोलिकल टूटते हैं, लेकिन सर टूटने का तरीका क्या है ये आपको याद रखना है, प्रोसेस क्या है टूटने का, वो है बच्चों एपोप्टोसिस, APOPTOSIS। हमारी बॉडी के अंदर सेल डेथ के दो तरीके होते हैं, एक नेक्रोसिस एक एपोप्टोसिस, ठीक है ना। मैं सिंपली आपको एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, ये क्या है आपके सिलेबस का नहीं है ये वर्ड, फिर भी चलिए। नेक्रोसिस वो सेल डेथ होती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये बॉडी की जो सेल है खराब हो चुकी है, उसमें स्वेलिंग होती है, उसमें इन्फ्लामेशन होती है, वो आसपास की सेल को लेके मरती है, डिफेक्टिव सेल या जिसे मरना होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ फिजियोलॉजिकल सेल डेथ प्रोसेस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जो डिफेक्टिव सेल है वो आसपास की सेल को अपने साथ लेकर के मरती है, ठीक है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो एपोप्टोसिस होती है, चाहे कितना बड़ा टिश्यू कितना बड़ा ऑर्गन हो और वो डिफेक्टिव सेल उसके मिड में बैठी हो, तो वो अकेली सेल ही किल होगी, सेल अकेली ही मरेगी, दूसरी सेल को पता भी नहीं चलेगा, उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। और इसे एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ बोलते हैं कि जिस सेल को मरना है केवल वही मरेगी, दूसरों को कुछ नहीं पता चलेगा, That is apoptosis, ठीक है ना? ये बड़े vast process हैं, immunology के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी classes के अंदर, ठीक है? तो यानी कि follicular atresia का mechanism क्या है? Apoptosis है। Follicular atresia है क्या? Follicular atresia में सर follicle जो है degenerate करते हैं, समझ आया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब बच्चों ये यहां तक हमारा डिफरेंस हो गया, और मैंने ये बता दिया कि इनका प्राइमरी से सेकेंडरी होते हुए और नंबर कम होगा, सेकेंडरी से टर्शरी में और नंबर कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक मैप कराता हूं ऊजेनेसिस का, ठीक है। सीबीएसई लेवल की जो ऊजेनेसिस है, अब बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूं, 5 मिनट की है, कोई बड़ी नहीं है। देखो हमने मेल के अंदर क्या पढ़ा था, मेल के अंदर हमने पढ़ा था कि सर उसका नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियल सेल, ये लो बच्चों, दिस इज द, मैं 46 लिख रहा हूं, 46 का मतलब है 2n डिप्लॉयड, क्योंकि ह्यूमन की बात चल रही है ना। तो ये क्या है बच्चों, आप पूरा लिखेंगे जर्माइनल एपिथेलियल सेल, याद है ना, जो ट्यूब ऑफ फ्लगर बन के अंदर आएगी, है ना, थ्योरी तो मैं करा चुका आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसने माइटोसिस की, अच्छा वहां पे हमने बताया था आपको जब मैंने फोलिकुलोजेनेसिस बताया था कि जब बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है तो उसके अंदर 2 मिलियन इन ईच ओवरी फोलिकल होते हैं, लेकिन फिर वो माइटोसिस नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि पहले ही उसका एरिया फुल होता है, जो ओवेरियन रिजर्व के नाम से मैंने बताया था,
कि फिर वो माइटोसिस नहीं कर पाती, कब करेगी? फोलिकुलर एट्रीशिया के बाद, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल करेंगी, ठीक है। चलिए, तो जो जर्माइनल एपिथेलियल थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइटोसिस शो की और अपने नंबर को बढ़ाया। ये लीजिए, अपने नंबर को बढ़ाया, तो ये भी 46 होएंगी क्योंकि माइटोसिस हुई है, ठीक है ना। ये कौन है बच्चों? ये ऊगोनिया सेल है। कौन है ये? ऊगोनिया सेल्स हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नंबर को बढ़ाया, है ना, फिर से डिवीजन हुई। ये लो, मेरे पास बच्चों थोड़ी सी जगह कम रहेगी तो इसलिए सेल जो है आपको प्रॉपर साइज की लेनी है, ठीक है। ये लो 46 और इसकी दूसरी सेल ये रही। अब सर इसकी कहां गई? जय जो इसमें हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है, ठीक है ना। आगे हम जगह नहीं एक्सटेंड कर रहे क्योंकि इसको मैं बना के रखूंगा, इसे मैं डिलीट नहीं रब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। दैट इज द 46। तो यहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज पूरा हो जाता है। आप इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे? वो सब बातें लिखेंगे कि जर्माइनल एपिथेलियल सबसे पहले क्या करती है, ट्यूब ऑफ फ्लगर की फॉर्म में एस्ट्रोमा में आती है ओवरी के, फिर एग नेस्ट बनाती है, उसमें से एक सेल जो ज्यादा ग्रोथ करती है वो प्राइमरी ओसाइट बनती है और बाकी सारी सेल्स उसके चारों तरफ प्राइमोर्डियल फोलिकल की फोलिकुलर सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है ना। और जो प्राइमरी ओसाइट है वो फ्यूचर का ओवम बनेगा और जो बाकी सेल है वो उसको सपोर्ट करेंगी और उसको क्या करेंगी, नर्सिंग करने का काम करेंगी, ठीक है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। पढ़ा था ना हमने, क्लियर। तो बच्चों ये जो फेज है यहां तक, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या है ये? मल्टीप्लीकेशन फेज है। रिजल्ट क्या हुआ ये लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर मल्टीप्लीकेशन फेज। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब बच्चों ये हुआ कहां पर? अब ये मल्टीप्लीकेशन फेज हमारा हुआ कहां पर, चला कहां पर, हमें ये देखना है, ठीक है। ये चला बच्चों हमारा फीटस के अंदर। कहां चला? इन फीटस, यानी के प्रीनेटल, इसे मैं कहूंगा बर्थ से पहले, ठीक है ना, क्योंकि दो ही हुए ना, प्रीनेटल पोस्टनेटल। प्रीनेटल माने बर्थ से पहले और पोस्टनेटल माने बर्थ के बाद, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हुआ बच्चों हमारा इन फीटस, फीटस में हुआ ये। चलिए मैं बताऊंगा, और एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये लीजिए इन फीटस, यानी कि ये मदर बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या हुआ? बेबी का बर्थ हो गया यहां पर, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने एक लाइन लिखी थी कि या मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे साइड में जगह खाली छोड़ी है, ठीक है, कि फीमेल ऊजेनेसिस के अंदर, फीमेल की एग फॉर्मेशन के अंदर दो जगह अरेस्टिंग पीरियड आता है, दो अरेस्टिंग स्टेज आती है। एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, शायद यशिका ने, कि सर अरेस्टिंग स्टेज नहीं समझ आई, अरेस्टिंग स्टेजेस। मेल में कोई अरेस्टिंग स्टेज नहीं है, फीमेल के अंदर दो हैं। कितनी है? दो, एक है बड़ी और एक है छोटी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक आती है हमारी मियोसिस वन में, एक आती है हमारी मियोसिस वन में और एक आती है मियोसिस टू में, ठीक है ना। कब आएगी? फर्स्ट इज द फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आएगी मियोसिस वन में, सेकंड आएगी मियोसिस टू में। जैसे ही हमारा प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट जो है मियोसिस करने की कोशिश करेगा, वो डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज। ये मैंने लिखवाया भी था, डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट हो गया।
अब ये स्टेज कब खुलेगी? ये स्टेज खुलेगी बच्चों जब ये कहां पहुंच जाएगा, चलिए इसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको कराऊंगा इसे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज है, अरेस्टिंग स्टेज जो है, वो होती है बच्चों कौन सी? जब हमारी मियोसिस वन की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, ये अरेस्टिंग स्टेज खत्म हो जाएगी और मियोसिस टू आएगी, मियोसिस टू पे फिर से अरेस्ट हो जाएगा, कहां पर? मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर। तो ये मियोसिस डिप्लोटिंग वन हुआ और ये मेटाफेज टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्टेज कहां खत्म होगी? ये स्टेज खत्म होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी, उस टाइम पे। ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा। तो ये दो अरेस्टिंग स्टेज आप लिखे, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। चलो ये क्या है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर रुकिए, अभी समझ आएगा आपको। तो यहां से अब ये एक सेल जो है, यानी कि प्राइमोर्डियल फोलिकल बन गया। प्राइमोर्डियल फोलिकल बनने से पहले इनमें से एक सेल ने अपनी ग्रोथ सबसे ज्यादा की, वो सेल ग्रोथ में चली गई। ये लो, किस में चली गई? ग्रोथ में चली गई। मैं इसे बड़ा बनाना चाहूंगा, ये लो, ठीक है ना। ग्रोथ कर रही है अपनी, साइटोप्लाज्म की और डीएनए की ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रोथ फेस। और ये शुरू कहां होती है? ये शुरू हो जाती है फीटल के अंदर, लेकिन कंप्लीट होती है पैदा होने के बाद, ठीक है ना। ये लो, मैं क्या करता हूं, इसको इस तरह से शो करके और यहां तक ले जाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज, जहां पर उस सेल ने क्या किया, अपने आप को ओसाइट डिक्लेयर किया और उसके चारों तरफ प्राइमोर्डियल फोलिकल की सेल्स आ गई, ठीक है। ये सीबीएसई से नहीं रिलेटेड करता, ये है सीबीएसई का, मैं भी इसको सिंपल फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा। तो फिर क्या हुआ बच्चों, इसके बाद जब ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले मियोसिस वन हुई, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेल के अंदर मैंने मियोसिस की थी, आप सिंपल देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मियोसिस वन हुई, मैं लिख रहा हूं एम वन, जो एम वन है बच्चों। अब यहां पे आपने मेजर पॉइंट लिखना है कि जो मियोसिस होती है फीमेल के अंदर वो अनइक्वल होती है। आप कॉपी पे ऊपर लिखो, मियोसिस परफॉर्म्ड इन ओजेनेसिस इज ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है ना। अब अनइक्वल से मतलब क्या है, कि जो साइटोकाइनेसिस है वो तो अनइक्वल है, लेकिन जो हमारी क्रोमोसोमल की काइनेसिस है, क्रोमोसोमल डिवीजन है, वो इक्वल है, ठीक है ना। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक तो बहुत बड़ी सेल बनती है हमेशा, ये देखो एक बड़ी एक छोटी, ठीक है, मियोसिस वन हुई, अनइक्वल हुई, तो क्रोमोसोम नंबर तो दोनों के अंदर 23-23 आ गए दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो एक के अंदर ऑलमोस्ट सारा साइटोप्लाज्म और एक के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आता है, यानी कि मियोसिस वन जो है वो अनइक्वल होती है। कहां होती, क्या होती है? अनइक्वल होती है, ठीक है। ये अनइक्वल मियोसिस का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, कि ये जो है हमारा अब प्राइमरी ओसाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, सेकेंडरी ओसाइट। क्या कहलाएगा मियोसिस वन के बाद? This is the secondary oocyte. This is the primary oocyte. Labeling तो करते हैं ना, primary oocyte. अब ये क्या हो गया हमारा? Secondary oocyte. ठीक है बच्चों, और ये क्या है हमारी, आप mention करेंगे first polar body. लिखो first polar body. समझ आया? अब क्या होता है बच्चों के यहां पर जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट हमेशा किसके अंदर बनता है? चलो इन चीजों को हम अभी थोड़ी देर बाद लेंगे ताकि हम क्या करें, सेकेंडरी फोलिकल के अंदर ये बनता है हमेशा, लेकिन अब इसमें क्या होनी है, मियोसिस टू होनी है। मियोसिस टू होती है ओव्यूलेशन के बाद, यानी के सेकेंडरी ओसाइट हमेशा क्या करता है,
ओव्यूलेट करता है। अब आपको समझ आया, जब मैं आपको फीमेल ओवरी पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि कभी भी फीमेल में जो है एग रिलीज नहीं होता, ठीक है ना, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। जैसे ये सेकेंडरी ऊसाइट अब कहां तक पहुंच जाएगा, ग्रेफियन फोलिकल तक पहुंच जाएगा। अब ग्रेफियन फोलिकल से हो जाएगी क्या, ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगी, यहां पर मैं मेंशन करूंगा ओव्यूलेशन, क्या करूंगा, ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन हो गई। अब इसे, ये ओव्यूलेशन का मतलब है कि ये कहां आ गया, ये आ गया फेलोपियन ट्यूब में, कहां आ गया, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ओव्यूलेट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है ना एग, पढ़ा था हमने ओवरी के अंदर, ठीक है ना। तो कहां, कौन आया, सेकेंडरी ऊसाइट आ गया, ठीक है। अब उसे अगर एसोसिएशन मिलेगी किसकी, स्पर्म की, किसको, सेकेंडरी ऊसाइट को। यहां से देखो मैं ब्लू कलर से बच्चों स्पर्म बना रहा हूं, अगर इसको क्या मिल गई, स्पर्म की एसोसिएशन मिल गई, ये लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मियोसिस टू करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्पर्म के पास होता है मियोसिस की जो सेकंड अरेस्टिंग स्टेज थी ना मेटाफेज वाली, जहां पर इसकी मियोसिस टू अरेस्ट हो गई थी, याद है ना, मियोसिस टू अरेस्ट हो गई थी, अभी मैंने साइड में बनाया था। तो मियोसिस टू जो अरेस्ट होती है वो मेटाफेज पे होती है, मियोसिस टू जो होती है अरेस्ट, अरेस्टेड एट मेटाफेज, ठीक है। जब ये अरेस्टेड होती है मेटाफेज के अंदर तो ये ओव्यूलेट हो जाता है, ओव्यूलेट, ओव्यूलेट हो गया, ओव्यूलेट होकर के कहां आ गया, फेलोपियन ट्यूब में, ओव्यूलेट होकर के कहां गया, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में आ गया कौन, स्पर्म, एसोसिएशन हो गई स्पर्म की, ठीक है ना। स्पर्म रिलीज करता है एमपीएफ, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और जैसे ही स्पर्म इसको टच करेगा सेकेंडरी ऊसाइट को, जैसे ही स्पर्म टच करेगा सेकेंडरी ऊसाइट को, तो टाइम बहुत कम होता है, फटाफट से ये अपनी अरेस्टिंग स्टेज से निकलेगा और मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस टू कंप्लीट होने से क्या होगा, एक तो बन जाएगा, दोबारा से अनइक्वल होगी, मियोसिस हमेशा अनइक्वल होती है, ध्यान रखना, दोबारा से क्या बनेगा, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज अ 23 एंड एन इन नेचर, यानी कि हैप्लोइड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा जो इससे बनेगा वो बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, क्या बनेगी, वो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, यहां क्या बन गई, सेकंड पोलर बॉडी, या सेकेंडरी पोलर बॉडी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और मियोसिस टू अगर इसकी होती है तो दो पोलर बॉडी इससे बनेगी, ठीक है ना। तो बच्चों समझ आया, यानी कि अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं इसको, चलिए मैं यहां समझाता हूं दोबारा से, इस पोर्शन को मैं यहां ले आता हूं। बच्चों ये प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस वन हुई अनइक्वल, क्या हुई, मियोसिस वन अनइक्वल, जिससे कि हमारे पास ये 2n है, 2n, हमारे पास n और n, ये आ गया हमारे पास बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी, सेकेंडरी ऊसाइट, सही है। अब सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर क्या हुआ, ये स्पर्म की एसोसिएशन इसे मिली, तो इसने क्या किया, इसने मियोसिस टू करी, क्या करी, मियोसिस टू। मियोसिस टू भी क्या है, क्योंकि स्पर्म ने क्या दिया, एमपीएफ, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, इसने अपनी डिवीजन की और ये बन गया हमारा हैप्लोइड स्ट्रक्चर, दैट इज ओटिड, इसका नाम क्या है, डबल ओ टी आई डी, ओटिड, ठीक है। और ये क्या है, दैट इज अ सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड या सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब एक ये बन गई, एक पहले बनी हुई थी, तो मियोसिस टू तो ये भी करेगी ना, मियोसिस टू तो ये भी करेगी ना। अब जब ये डिवीजन करेगी तो ये भी क्या करती है, दो अपने में से दो पोलर बॉडी और बना देती है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि मेल के अंदर एक हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल से चार स्पर्म बने थे, लेकिन फीमेल के अंदर एक ऊगोनिया से एक ओटिड
और ओटिड बाद में क्या बनता है, ओवम, ओवम यानी कि एग, ठीक है, क्लियर हो गया। और तीन क्या बनती हैं, तीन बनती हैं बच्चों पोलर बॉडी, समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला सर एक हमारी उगोनिया से एक तो बन गया वन एग प्लस थ्री पोलर बॉडीज, ये रिजल्ट निकला हमारा किसका, ओजेनेसिस का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि सर ये बताइए अनइक्वल डिवीजन क्यों हुई, ठीक है ना, उसके दो बेनिफिट हैं। अनइक्वल डिवीजन के बच्चों दो बेनिफिट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार और पूछा भी जाता है। पहला बेनिफिट होता है कि क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन किया गया कि सर मियोसिस टू कंप्लीट हुई है। आप कह सकते हो कि जो साइटोकाइनेसिस है वो तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है, क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग है, वो जो है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि पहला बेनिफिट ये हुआ कि क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन रहा, क्रोमोसोमल डिवीजन प्रॉपर हुई, पहला बेनिफिट। दूसरा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म बेसिकली ओटिड में आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो ओवम है ना, अगर ये फर्टिलाइज हो गया, देखो ये अब ये फर्टिलाइज होएगा क्योंकि ये एग स्पर्म आ गया, अगर ये स्पर्म ना आता ना तो ये ओवम बनता ही ना, फिर ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पर ही मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता, समझ आया ना, क्लियर हो गया ना। तो क्या हुआ कि अब इसे फ्यूचर का बेबी बनना है, क्योंकि जायगोट बनेगा ना अब ये ओवम, है ना, तो इसे ग्रोथ करना है। और जो इनिशियल ग्रोथ होती है ना बच्चों, एक बेबी की, एक जायगोट की, वो खुद के एक्सपेंडिचर पे होती है। जैसे एक, अगर मान लो मैं लेडी हूं, मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है ना, तो इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट तक हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि शुरू में जो ग्रोथ होती है ना वो इसी के खर्चे पे होती है। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है ना सारा का सारा कहां आ गया, ओवम के अंदर आ गया, तो साइटोप्लाज्म को कंजर्व कर लिया गया, साइटोप्लाज्म सेविंग और कंजर्व, ठीक है ना, ताकि उसे हम डेवलपमेंट पे यूज कर सके, समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों ओजेनेसिस आपका सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहां पूरा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको थोड़े थोड़े से इसके मेजर पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक है, कौन कौन से, अभी हम शुरू करेंगे, हमारा बस थोड़ा ही टाइम लगेगा बच्चों उसके अंदर, अभी मैं चेक कर लेता हूँ टाइम कितना रह गया हमारे पास, हमारा ऑलमोस्ट 10 मिनट रह गए। चलिए कुछ पॉइंट हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों ऐसा करते हैं, आज हम आपसे डाउट लेते हैं, आज हम आपसे डाउट लेते हैं, हमारी क्लास कल भी है, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, जो भी आपके पास सोर्स है, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है कि ग्रोथ फेज पूरा हो गया, ये हो जाएगा आपका मैच्यूरेशन फेज, क्या हो जाएगा, मैच्यूरेशन फेज, ये जो पीरियड था आपका बिफोर ओव्यूलेशन था, और ये जो है आफ्टर ओव्यूलेशन होगा, यानी कि मियोसिस टू जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन होती है, और मियोसिस वन जो है बिफोर ओव्यूलेशन होती है। तो बच्चों अभी मैं 5 मिनट 7 मिनट में कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको डिटेल में इसे समझाना चाह रहा हूं, ये हम करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैं आज इसकी वीडियो जो डालूंगा ओजेनेसिस लेक्चर 1 के नाम से डालूंगा, ठीक है ना, कल हमारा लेक्चर 2 करके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली ओजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी अगर आप कोई डाउट लेना चाहते हैं तो आप मेरे से अपने डाउट ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दें तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आंसर देता हूं जो भी आपको पूछना है। सार्थक गर्ग ने पूछा है सर ओजेनेसिस इज अ साइकिल। देखिए बच्चों ओजेनेसिस एक प्रोसेस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चलता है, ओजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चलता है, ठीक है ना। अब ये जो ओजेनेसिस है, अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये ओजेनेसिस जो है एवरी मंथ होगी, ठीक है ना, एवरी मंथ होगी, क्लियर हो गया।
अब सर आप कहेंगे कि क्या सर बचपन से हर बार ये एग बनेगा? नहीं, जैसे एक बेबी का बर्थ हुआ तभी उसके अंदर जो हमारे प्राइमरी फोलिकल हैं 60,000 से 80,000 वो कंटिन्यू करते हैं कब, 11-12 साल से लेकर के कहां तक, 50 साल तक, मेनोपॉज तक। ये चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, हमारा ओजेनेसिस बेसिकली कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल परीक्षित वालिया, सर पोलर बॉडी का क्या काम है? पोलर बॉडी एक बच्चे जो का कोई फंक्शन नहीं है, पोलर बॉडी जो है, सब बच्चे नोट करेंगे, सब बच्चे नोट करेंगे, पोलर बॉडी, ऑल द थ्री पोलर बॉडी डीजेनरेट, और जो भी मटेरियल उसके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं क्या उसका काम ही यही है कि वो फीमेल के एग को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। ठीक है, बेसिकली उसका फंक्शन नहीं हुआ न्यूट्रिशन, तो सर उसका फंक्शन क्या हुआ? अरे भाई अगर 4 एग बन जाते, सोचो अगर 4 एग बन जाते तो 4 के 4 एग फर्टिलाइज होते, तो एनर्जी कहां से आती मदर के अंदर उन चारों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने की? नहीं समझ में आया? इसीलिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए पोलर बॉडी बन गई कि ये डीजेनरेट हो जाएंगी, लेकिन एक जो एग बनेगा वो फर्टिलाइज होकर के बेबी को पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चांस ऑफ सर्वाइवल तो 100% है। जैसे फिशेज के अंदर ऐसा नहीं होता, फिशेज के अंदर, फ्रॉग के अंदर सारे के सारों में से मियोसिस 2 होकर के सारे एग बनते हैं, क्योंकि उनमें चांस ऑफ सर्वाइवल कम है। हमारे में एक एग बनेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो बेबी बनेगा। तो इसीलिए पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता बच्चों, पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है। वो एक तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, क्योंकि हमारे पास चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा है, 100% है। और दूसरी बात, एनर्जी को, साइटोप्लाज्म को बेबी की डेवलपमेंट में सेव करने के लिए क्या हुआ, ये पोलर बॉडी की फॉर्मेशन की गई, ताकि साइटोप्लाज्म जो है पोलर बॉडीज में ना जाए, केवल एक ही एग में जाए और वो एक एग डेवलपिंग बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। समझ आया? ठीक है,